जब समाज सेवा ही उद्देश्य हो, जनसेवा ही लक्ष्य हो, लोक कल्याण ही ख्वाब हो और अल्पायु में ही देश सेवा की भावना जुनून बन जाए तो इंसान याज्ञवल्क्य शुक्ल बन जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े मंचों से देश के 65 करोड़ युवा शक्ति की बात करते हुए गर्व से भर जाते हैं तो उसकी वजह याज्ञवल्क्य शुक्ल जैसे लोग हैं जिन्होंने निजी उपलब्धियों को तुच्छ समझ अपना जीवन समाज प्रदेश और देश को समर्पित कर दिया है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को विकास की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जनवादी सोच का होना जरूरी है और याज्ञवल्क्य शुक्ल की राजनीतिक परवरिश में इसका संपूर्ण समावेश दिखता है। याज्ञवल्क्य शुक्ल ने अब तक जो हासिल किया उसके लिए हजार शब्दों की भूमिका भी कम पड़ेगी। चलिए विस्तार से जानते हैं कि याज्ञवल्क्य शुक्ल का अब तक का जीवन परिचय क्या है और यह जरूरी क्यों है। देश के पिछड़े राज्यों में शुमार झारखंड के नक्सल प्रभावित गढ़वा जिले के रहने वाले याज्ञवल्क्य शुक्ल लगातार दूसरी बार बीजेपी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री चुने गए हैं। 7 से 10 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पदभार ग्रहण करेंगे। देश के सबसे बड़े छात्र संगठन एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। याज्ञवल्क्य शुक्ल इससे पहले भी एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व निभा चुके हैं। 2003 में पहली बार एबीवीपी से परिचित होने से लेकर 2009 में संगठन का पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद से याज्ञवल्क्य शुक्ल ने रांची महानगर संगठन मंत्री, गुमला जिला संगठन मंत्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी संगठन मंत्री, रांची यूनिवर्सिटी संगठन मंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद सदस्य, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य और झारखंड प्रांत संगठन मंत्री जैसे अहम पदों पर अपना योगदान दिया है। याज्ञवल्क्य शुक्ल पूर्व में जगजीत सिंह नामधारी कॉलेज गढ़वा में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। वे रांची यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ उपाध्यक्ष रहे। वर्ष 2018 में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत सरकार द्वारा भेजे गए युवा प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई भी याज्ञवल्क्य शुक्ल ने किया था। क्षेत्रीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों की गहरी समझ रखने वाले याज्ञवल्क्य शुक्ल बौद्धिक दृष्टिकोण से भी काफी समृद्ध हैं। लगातार दूसरी बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री चुने गए याज्ञवल्क्य शुक्ल ने रांची विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में पीएचडी किया है। उन्होंने पलामू प्रमंडल में कोरबा जनजाति का सांस्कृतिक भूगोलीय अध्ययन विषय पर शोध किया है। याज्ञवल्क्य शुक्ल नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में प्रास्नातक डिग्री में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। याज्ञवल्क्य शुक्ल यह भी मानते हैं कि देश प्रदेश का विकास और समृद्धि तभी संभव है जब युवा दिग्भ्रमित ना हो। इस सोच के साथ झारखंड प्रदेश के जनजातीय समुदाय के युवाओं को सही राह दिखाने के लिए उन्होंने जुटान जैसा सफल प्रयोग किया। इन्होंने हैदराबाद में इसी वर्ष आयोजित 4th आसियान यूथ समिट में प्रतिनिधित्व किया। याज्ञवल्क्य शुक्ल को समाज और देश सेवा के निहितार्थ किए गए कार्यों की वजह से कई बार जेल भी जाना पड़ा। पुलवामा में शहादत देने वाले सैनिकों के परिवार का राजस्थान सरकार द्वारा अपमान किए जाने के विरोध में याज्ञवल्क्य शुक्ल ने आवाज बुलंद की। जयपुर में बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया, उन्हें इसके लिए जेल जाना पड़ा। राजस्थान में महिला सुरक्षा, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर न्याय यात्रा निकाली गई थी। याज्ञवल्क्य शुक्ल ने इसकी अगुवाई की। तेलंगाना में पेपर लीक घोटाला के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई भी याज्ञवल्क्य शुक्ल ने किया था। याज्ञवल्क्य शुक्ल की विचारधारा कितनी जनवादी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह जनहित से जुड़े मुद्दे पर अलग स्टैंड लेने से नहीं हिचकिचाते। इस बात को समझने के लिए एक प्रसंग का जिक्र करना जरूरी है। पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के कार्यकाल के दौरान रिम्स अस्पताल में 25 बच्चों की मौत हो गई थी। तब एबीवीपी ने झारखंड प्रांत के संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल की अगुवाई में तात्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के आवास पर प्रदर्शन किया था। उनके आवास पर टमाटर और अंडे भी फेंके थे। याज्ञवल्क्य शुक्ल को जनवादी सोच और जनहित के मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग सोचने की वजह से कई बार संगठन के भीतर ही आलोचना का सामना करना पड़ा है, लेकिन वह अपने विचारों के साथ ध्रुव तारे की तरह अडिग और अटल रहे हैं।